2017 के दुखी से ईयर के बाद जब 2018 में बॉलीवुड ने हमें एक के बाद एक सरप्राइजेस दिए एज बॉलीवुड लवर्स, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। बट साथ ही कहीं ये डाउट भी था कि क्या ये फ्लूक है। बट नाउ दैट वी आर स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ 2019, इट इज कंफर्म दैट कुछ भी फ्लूक नहीं था। बॉलीवुड इज इंडीड स्टेपिंग अप इट्स गेम, चाहे वो क्वालिटी ऑफ फिल्म्स हो या बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्सेस। 2019 का फर्स्ट हाफ हैज बीन अ डिलाइट इन एवरी विच वे। पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसा सरप्राइज हिट या कबीर सिंह का बॉक्स ऑफिस डोमिनेशन। 2019 का फर्स्ट हाफ सिर्फ ऑडियंसेस के लिए ही नहीं बल्कि इन एक्टर्स के लिए भी काफी मेमोरेबल रहा। नए हो या पुराने, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टर्स जिन्होंने 2019 के फर्स्ट हाफ में अपने करियर डिफाइनिंग रिकॉर्ड सेट किए। सबसे पहले बात करते हैं हमारे एब्सोल्यूट फेवरेट कमली की, या फिर अब मेजर ध्यान शेरगिल बुलाए। विकी कौशल को यूं तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन मसान और रमन राघव 2.0 से मिल ही गई थी, बट इट वॉज अ क्लास एक्ट इन लास्ट ईयर संजू दैट मेड हिम एन ओवरनाइट सेंसेशन। देन केम 2019 एंड विकी किक स्टार्टेड द ईयर विद अ नॉकआउट पंच लाइक उरी। विकी का स्टेलर परफॉर्मेंस और आदित्य धर के बेहतरीन डायरेक्शन ने हमारे अंदर इस मूवी के लिए इतना जोश आय कर दिया कि 45 करोड़ के बजट पे बनी ये फिल्म मैनेज टू कलेक्ट 244 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस। उरी विकी के करियर की अब तक की सबसे बड़ी हिट तो है ही, साथ ही साथ इट्स ऑल्सो द 10th ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसेस ऑफ बॉलीवुड। नाउ दैट्स समथिंग दैट्स गॉट टू लुक प्रीटी कूल ऑन विकी सीरीज। नेक्स्ट वन ऑन आवर लिस्ट इज नन अदर देन द मैन ऑफ द आवर, शाहिद कपूर। Despite a lot of conflicting narratives surrounding the film, Kabir Singh na hi is saal ka sabse bada non-holiday opener bana with a whopping 20.21 crores. It is also now Shahid Kapoor's highest opening aur uske career ka sabse bada solo hit. Just when we thought that we have seen everything there is to see about Salman Khan's box office domination, Salman Khan reminded us ki wo the Salman Khan kyun hai. भारत के साथ ना ही सिर्फ अली अब्बास जफर और सलमान खान की जोड़ी ने अपना 200 करोड़ क्लब में हैट्रिक बनाया, बट एट 41.50 करोड़ भारत ने सलमान खान को अपनी करियर का सबसे बड़ा ओपनिंग डे भी दिया। जब फैंस और बॉक्स ऑफिस की बात आए, सलमान, शाहरुख, आमिर, अक्षय एक तरफ और अजय देवगन एक तरफ। लास्ट ईयर भी अजय देवगन ने सिर्फ परफॉर्मेंस के जोर पे रेड को 100 करोड़ क्लब में शामिल किया था और इस साल भी ही हैज मैनेज्ड टू एंटर द 100 करोड़ क्लब ट्वाइस इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर। While both Total Dhamal and De De Pyar De managed to cross the 100 crore mark, Total Dhamal gave Ajay Devgan his biggest non-holiday opener with 16.40 crores. Can you guess what we have in common with Sara Ali Khan? Well, our crush on Kartik Aaryan. Sonu ki Ritu ki Sweetie se shuru hua Kartik madness continued till 2019's March and Luka Chupi reaped the full benefits of the same. Jahan Sonu ki Ritu ki Sweetie ne apne opening pe kamaye the 6.42 crores, Luka Chupi ne apne box office ka khata khola with 8.01 crores, which of course gave Kartik Aaryan the highest opening of his career so far. Saal abhi aadha baki hai aur filmon ka lineup bhi bahut interesting hai. 15th August ko Clash of Titans, Dabang 3 ka excitement. 2019 खत्म होने से पहले ना जाने बॉलीवुड हमें और क्या क्या सरप्राइजेस दे। शुरुआत तो अच्छी हो ही गई है एंड नाउ वी आर होपिंग बॉलीवुड टू फिनिश द ईयर विद अ बैंग एज वेल। तब तक के लिए कीप एन आई ऑन देसी मार्टिनी टू नो ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट बॉलीवुड।